सो आज चरण कमल का हमारा फर्स्ट डे है और हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, इनका रेस्टोरेंट टाइप का था सिटिंग जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना था। बुफे सिस्टम नहीं था, मैं मेवार पैलेस को काफ़ी मिस कर रही थी। ये इनका सैंडविच है, वेजिटेबल सैंडविच, और ये इनका चीज़ पराठा है, और ये इन्होंने छोले भटूरे दिए थे हमको। इनके छोले में इतना ऑयल था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इनका पराठा भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आज हम सच में बैठ गए BMW में, हमें कार मिल गई फाइनली, और हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। आज हमारा लास्ट डे था तो हमने सोचा सामान हम क्लॉक रूम में रखवा देते रेलवे स्टेशन के, उसके बाद घूम लेंगे। और ये अंदर का व्यू है रेलवे स्टेशन का, और इन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई थी, बाकी ये पेंटिंग आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमें वेट करना था, ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म, और फिर हम निकल गए क्लॉक रूम के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने सोचा सामान डिपॉजिट कर दे फिर निकल जाएंगे। फिर ये हम निकल गए, हम हाथी पोल मार्केट गए थे, लेकिन उस दिन मार्केट काफ़ी मार्केट बंद थे तो हमें एज सच शॉपिंग हम सही से नहीं कर पाए। हम जैसे न कैसे करके हम निकल गए, ये रहा हाथी पोल मार्केट। इसमें ज़्यादातर तो शॉप्स बंद थी और यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट शॉपिंग थी, सारे के सारे ऐसे शॉप्स ही ओपन थे। सो यहाँ पे चुनरी थी, यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह थे, बाकी हैंडीक्राफ्ट्स के काफ़ी सामान थे यहाँ पे। ये वाले शॉप के अंदर हम गए थे, यहाँ पे काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स के सामान थे, टेबल था, चेयर था, और ये छोटे छोटे ड्रॉअर थे, वॉच था और क्लॉक था, और काफ़ी सारे आइटम्स थे जैसे आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे ये ब्यूटीफुल आइटम्स थे जो आप घर में डेकोरेट कर सकते हैं, और डेकोरेटिव आइटम्स थे। यहाँ से मैंने कुछ परचेज़ किया, उसका मैं आपको अलग से हॉल दिखाऊंगी। ये रहा शॉप का नेम, नेशनल हैंडीक्राफ्ट नाम था। उसके बाद मुझे लैपटॉप का बैग लेना था तो मुझे एक क्यूट सा दुकान दिखा तो यहाँ पर मैं गई। यहाँ पर क्लच थे, पर्स थे, लैपटॉप के बैग्स काफ़ी अच्छे अच्छे थे, तो मुझे दो बैग पसंद आए। एक तो ये ब्लू वाला बैग था, उनके प्राइस भी बहुत अच्छे थे। ये सिर्फ 999 में ये बैग था, अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे यही बैग आपको एटलीस्ट 2000 का पड़ेगा। और उसके साथ मुझे दूसरा भी बैग पसंद आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि इन दोनों में से मैं कौन सा बैग लूँ, मुझे दोनों ही बैग पसंद आ रहे थे। सो आप देख सकते हैं, उसके बाद हम निकल गए खाने के लिए। मुझे यहाँ की रजवाड़ी थाली खानी थी तो हमें एक रेस्टोरेंट पता चला, वहाँ पे उस दिन इतने वेटिंग चल रहे थे सारे रेस्टोरेंट में, हमें कैसे ना कैसे करके यहाँ पे हमें सीट मिल गई और यहाँ पे हम अंदर चले गए। यहाँ कोई वेटिंग नहीं था, ये अंदर का व्यू है। ये जो रजवाड़ी थाली रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा था लेकिन इनका सर्विस मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्होंने इतना वेट करवाया, मान के चलो आप, हमने एटलीस्ट 1.5 घंटा वेट किया है। हमने ऑर्डर दे दिया था लेकिन वहाँ पर इतने सारे कस्टमर्स इनके आए हुए थे, हम बैठे बैठे अब क्या करें, ना कुछ खाने को मिल रहा था क्योंकि खाना अलग से ऑर्डर नहीं कर सकते थे, आपको ना थाली ही ऑर्डर करनी पड़ती थी। और थाली भी इन्होंने राजस्थानी और गुजराती दोनों थाली मिक्स करके उन्होंने दी थी, तो हमें प्यास लग रही थी तो हमें फाइनली ये, फिर हमने स्लाइस 7-Up लिया। हमने सोचा इससे ही ट्राई करते हैं, कम से कम कुछ तो हम पियेंगे। फिर ये हमने पिया इंजॉय करते हुए, फिर दोबारा हम अपनी थाली का वेट कर रहे थे। सो ये फाइनली हमारी थाली आई, लेकिन ये खाली थाली है, अभी आएंगे भैया भरेंगे। इसके लिए हमने और वेट किया था, थाली खाली थाली आने के बाद भी इन्होंने आधा घंटा वेट करवाया था। ये भैया फटाफट, इन्होंने बहुत तरीके की सब्जी डाली थी, दाल था, मीठी कढ़ी थी, और इनकी जो राजस्थानी कढ़ी होती है वो थी, ढोकला था, काफ़ी कुछ आइटम था, वो मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। मैंने हर एक आइटम इनका टेस्ट किया, ट्राई किया, फिर उसके बाद मैं रोटी के लिए वेट कर रही थी। रोटी आने में इनको 10 मिनट लग गया, और फिर फाइनली ये रही हमारी थाली, भरपूर थाली। मुझे इतना भूख लग रहा था लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। सो ये रही मेरी प्रॉपर थाली, और मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या खाया। ये मटर पनीर की सब्जी थी, ये पास, मुझे अच्छी लगी मटर पनीर की सब्जी, और ये टमाटर चाट था। टमाटर चाट तो मेरा फेवरेट है, मैंने बनारस का टमाटर चाट खाया था। आलू सब्जी नहीं खाई क्योंकि वो घर पे खाती रहती हूँ। फिर मैंने इनकी राजस्थानी कढ़ी ट्राई की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके साथ ये इनकी दाल थी, दाल भी अच्छी थी लेकिन ये दाल मैं भी बना लेती हूँ। और ये मीठी कढ़ी, ये मैंने राजस्थान में फर्स्ट टाइम ही खाया था, मुझे अच्छा लगा। तो मीठी कढ़ी मैंने जैसे मेवार पैलेस में खाया था ढोकले के साथ, तो मैंने ढोकले के साथ ट्राई किया, और दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये पापड़ था, और इन्होंने खिचड़ी भी दी थी, खिचड़ी मसाले वाली खिचड़ी थी, मुझे ये खिचड़ी भी इनकी काफ़ी अच्छी लगी। और इनका एक और आइटम था, ये भिंडी की सब्जी, ये भी मुझे बहुत टेस्टी लगी थी रोटी के साथ। मुझे वैसे भिंडी इतनी अच्छी नहीं लगती है लेकिन इन्होंने जिस तरीके से भिंडी बनाई थी ना वो बहुत टेस्टी थी। और अगर मैं स्वीट की बात करूँ तो स्वीट में इन्होंने सेवई दिया था,
सेवई भी अच्छी थी लेकिन ज़्यादा मीठी थी, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, लेकिन ठीक था, चलने वाला था। और इनका बेस्ट पार्ट ये था कि जिनको खाना अच्छा लगता है उसके लिए इन्होंने अलग से लिखा है लाइक द फूड हिट द बेल। नो रियली मैं वहाँ पे बेल लगाया हुआ था, मुझे खाना अच्छा लगा था तो मैंने बेल बजा दिया यहाँ पे, और फिर मैं निकल गई स्टेशन के लिए। ये रहा स्टेशन का बाहर का व्यू। उसके बाद हम वेटिंग रूम में चले गए क्योंकि हमारे ट्रेन को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे थे। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, सो ये रही हमारी ट्रेन। और फिर फटाफट हमने अपनी सीट्स ढूंढी कहाँ कहाँ थी, हमें एक्चुअली हमने एंड एकदम मेन टाइम में हमने सीट बुकिंग की थी तो हमें REC सीट्स मिली थी। और ये देखो मेरा फ्रेंड लड़ते हुए कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, मुझे भी लेके जाना चाहिए था, हम लोग अकेले चले गए थे। और ये रहा ट्रेन का अंदर का व्यू, ऑलमोस्ट सीट्स सारी की सारी ही फुल थी। और ये दो बच्चे, ये दोनों ट्विंस थे, एक लड़का था एक लड़की था, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे दोनों के दोनों, है ये यहाँ पे मस्ती करते हुए, एक लॉलीपॉप खा रही है और ये डांस कर रही है। इसने नोटिस कर लिया कि हम इसकी वीडियो ले रहे हैं, ये देखो ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं मस्ती करने में। और ये रही मेरी ट्रेन, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। एक्चुअली होता है आप लोगों के साथ भी, जब हम कहीं पे जाते हैं तो बहुत एकदम एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जब वहाँ से आने लगते तो बहुत सैडनेस सा हो जाता है, इतनी एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी बहुत लो हो जाती है। ट्रेन में भूख लग रही थी तो हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और ये आई गेस पनीर पिज़्ज़ा, मुझे ऐसा सच ध्यान नहीं है कौन सा, टोमेटो पिज़्ज़ा लग रहा है। सो टोमेटो पिज़्ज़ा हमने वहाँ पे खाया और टेस्टी था डोमिनोज तो, यार कहीं पे भी आप मंगवा लो डोमिनोज का तो फ्लेवर सेम ही रहता है, डोमिनोज में टेस्टी लग रहा था। उसके साथ हमने कुछ गेम्स खेले। कार्ड्स खेलते खेलते मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय मंगाई थी, और ये डोमिनोज का हमने टैकोज भी मंगवाया था, एक्चुअली ये हमारा रह गया था और ये पार्सल था, ये नॉनवेज था तो ये मैंने नहीं खाया, सच मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये मैंने उसके साथ मीठे में ये डेजर्ट मंगवाया था, ये तो मुझे एज़ यूजुअल काफ़ी टेस्टी लगता है। और उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए दिल्ली। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।